हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टुरुपीडिया हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खूबसूरत देश के बारे में बताएंगे जो जगह हनीमून कपल्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। इस देश में कई ऐसे बीचेस मौजूद हैं जहां आप बिना कपड़ों के घूम सकते हैं। इस देश को अगर मगरमच्छ का घर कहा जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। यही वो देश है जहां रहता है दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ, और इस देश की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में की जाती है। यहां लोगों का लाइफस्टाइल भी काफी शानदार है। दुनिया में सबसे बड़े कछुए आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि आज भी इस देश में कई जगह पर समुद्री डाकुओं का खजाना छिपा हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेशल्स देश के बारे में, जो एक आइलैंड कंट्री है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं सेशल्स की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि सेशल्स की खोज पहली बार 15वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के लोगों द्वारा की गई। इस देश की खास बात यह है कि वैसे तो ये आइलैंड नेशन इंडियन ओशन में आता है और भारत के नजदीक भी है, लेकिन इसके बावजूद ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक हिस्सा माना जाता है। सेशल्स की राजधानी का नाम विक्टोरिया है, जो ब्रिटेन के महारानी के नाम पर ही रखा गया है। सेशल्स में बहुत कम भीड़ भाड़ ही आपको देखने को मिलेगी। देश की जनसंख्या 100,000 के आसपास है, जिनमें करीब 10,000 लोग भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा भी कई अन्य एशियाई देशों के लोग आपको यहां रहते नजर आ जाएंगे। सेशल्स में फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा सेशलोइज क्रियोल लैंग्वेज भी यहाँ पर बोली जाती है, और इस भाषा में भी फ्रेंच लैंग्वेज की झलक नजर आती है। सेशल्स की 90% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, तो वहीं 2.5% आबादी हिंदुओं की है। करीब 1.5% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले यहाँ मौजूद है। सन 1770 में पहली बार सेशल्स में लोगों ने रहना शुरू किया। उस समय ये फ्रांस का एक उपनिवेश था और अफ्रीका के लोगों को मजदूरी करने के लिए यहाँ पर लाया गया था। सन 1814 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक जंग हुई, जिसमें फ्रांस के शासक नेपोलियन की हार हुई, और इस तरह अंग्रेजों ने फ्रांस से ये आइलैंड छीन लिया और यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। कई सालों तक अंग्रेजों का गुलाम बने रहने के बाद सन 1976 में इसे आजादी मिली। आपको बता दें कि सेशल्स 115 आइलैंड से मिला हुआ एक देश है। इस जगह की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के प्रिंस विलियम अपनी पत्नी कैट मिडिलटन के साथ हनीमून मनाने के लिए इसी देश में घूमने के लिए आए थे, और उन्हें ये जगह काफी ज्यादा पसंद भी आई। इसके अलावा भी हर साल बड़ी संख्या में कपल्स यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। यहाँ की आबो हवा में ही रोमांस की महक आती है। इसके अलावा आप परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ भी छुट्टियां मनाने के लिए सेशल्स आ सकते हैं। सेशल्स भले ही एक छोटा देश है, लेकिन इसके पास अपने खुद की एक आर्मी भी मौजूद है। दोस्तों, आज के समय में भारत और सेशल्स के संबंध भी काफी मजबूत है। साल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेशल्स का दौरा भी किया था। आपको बता दें कि 1979 में भारत और सेशल्स के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हुई थी। साल 1986 में अल्बर्ट रेने यहाँ के राष्ट्रपति थे, और उस समय सेना द्वारा यहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश भी की गई। अल्बर्ट ने भारत से मदद की गुहार लगाई और भारत ने अपनी सेना भेजकर तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद से ही सेशल्स और भारत की दोस्ती मजबूत हो गई। भारत समय समय पर सेशल्स को अत्याधुनिक हथियार और जहाज और नाव भी गिफ्ट करता रहता है। भारत द्वारा सेशल्स में कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। सेशल्स और भारत के बीच सदियों से भाईचारे का संबंध है। सेशल्स के कोर्ट की बिल्डिंग भी भारतीयों द्वारा ही तैयार की गई थी। कोरोना से निपटने के लिए भारत ने वैक्सीन डोज भी सेशल्स भिजवाई थी। भारत द्वारा एक सोलर प्लांट भी सेशल्स में लगाया गया है। 2015 में 33 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सेशल्स का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। आप शायद सोच रहे होंगे कि भारत सेशल्स देश पर इतना ज्यादा मेहरबान क्यों है। सेशल्स के पास ना तो बहुत ज्यादा पैसा है और ना ही तेल के भंडार। असल में भारत महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारत सेशल्स में एक मिलिट्री बेस सेटअप करना चाहता है, लेकिन अभी तक सेशल्स ने अपने देश के आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत नहीं दी है। सेशल्स की GDP 1.40 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो सेशल्स के लोग एक साल में $13,500 की कमाई करते हैं, जो कि एक अच्छी कमाई है। सेशल्स का HDI स्कोर भी काफी अच्छा माना जाता है, और 0.796 का स्कोर इसे प्राप्त हुआ। सेशल्स में लोग पढ़ाई लिखाई को भी काफी तवज्जो देते हैं। 96% लोग इस देश में शिक्षित हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो औसतन
74 साल यहाँ के लोग जीवित रहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था फिशिंग, टूरिज्म, प्रोसेसिंग ऑफ कोकोनट एंड वनीला इन पर निर्भर है। साथ ही बोट, बिल्डिंग, प्रिंटिंग, फर्नीचर और बेवरेजेस पर भी निर्भर है। बात करें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की तो दाल, चीली, स्वीट पोटेटो, कसावा, केला और पोल्ट्री की खेती यहाँ पर की जाती है। इतना ही नहीं, सेशल्स में आपको कोको डी मेयर नाम की सबसे बड़ी नट खाने को मिलेगी। इसका वजन औसतन 20 किलो के आसपास होता है। दोस्तों, एक जमाने में सेशल्स में बहुत ज्यादा मगरमच्छ हुआ करते थे और इसे क्रोकोडाइल आइलैंड कहा जाता था। आज यहाँ पर मगरमच्छ तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, कछुए आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। 300 किलो वजन वाले दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ भी इसी देश में है। इस कछुए का नाम है एस्मेराल्डा। सेशल्स एक समय पर समुद्री डाकुओं का गढ़ भी हुआ करता था। कहा जाता है कि फ्रेंच पायरेट ओलिवियर लेवसा ने 1,60,000 मिलियन डॉलर्स का खजाना लूटकर सेशल्स में कहीं पर छिपा दिया था, लेकिन आज तक कोई भी उस खजाने को ढूंढ नहीं पाया। इस देश में प्यार का मतलब थोड़ा अजीब है। सेशल्स में अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को मारता है तो उसे गलत नहीं समझा जाता। असल में सेशल्स की महिलाओं का मानना है कि जहाँ प्यार होता है वहीं पर लड़ाई भी होती है, और बहुत ज्यादा पजेसिव होने के कारण पुरुषों को कई बार गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, सेशल्स में कई ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ लोग बिना कपड़ों के घूम सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं भी आपको बिना कपड़ों के सन बाथ लेती नजर आ जाएंगी, और कपल्स अपने प्यार का इजहार भी खुलेआम इन बीचेस पर कर रहे होते हैं। हालांकि ये सब सिर्फ प्राइवेट बीचेस पर ही अलाउड है। सेशल्स को काफी ज्यादा सुरक्षित भी माना गया है। सैलानियों के साथ कभी भी यहाँ गलत बर्ताव नहीं किया जाता। सेशल्स में बहुत से लोग तो सैलानियों को अपने घर पार्टी के लिए इनवाइट भी करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को अन्य कल्चर के लोगों से मिलना जुलना काफी पसंद होता है। इसीलिए सेशल्स में अगर कोई आपको पार्टी के लिए इनवाइट करे तो उसे मना ना करे। इस देश में ग्रेनाइट के आइलैंड्स बने हुए हैं। खास तौर पर माहे आइलैंड में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट पाया जाता है, इसीलिए इस आइलैंड को ग्रेनाइट रॉक आइलैंड भी कहा जाता है। एक और जहां अफ्रीकी देशों में मलेरिया जैसी बीमारी आम हो गई है, वहीं सेशल्स में मलेरिया की बीमारी ने आज तक दस्तक भी नहीं दी। सेशल्स में मच्छर के आतंक से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस देश में ऐसा कोई भी मच्छर नहीं पाया जाता है जिसके काटने से मलेरिया जैसी कोई बीमारी हो। सेशल्स में कुछ आइलैंड्स ऐसे भी बने हुए हैं जहां पर गाड़ी नहीं चलती। जी हाँ, आप पैदल या फिर रेंट पर साइकिल लेकर उन आइलैंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाइकिंग से लेकर वाटर स्पोर्ट्स तक कई प्रकार की एक्टिविटीज का आनंद भी आप सेशल्स में ले सकते हैं। सेशल्स के बीचेस से सनसेट और सनराइज का नजारा भी बेहद ही मनमोहक और खूबसूरत नजर आता है। सफेद रेत के बीचेस पर नीले समुद्र के किनारे साफ आसमान के नीचे अपने पार्टनर के साथ हाथों में हाथ डालकर प्रकृति की खूबसूरती को निहारना अपने आप में ही एक खास अनुभव होता है। सेशल्स का खाना भी काफी लाजवाब होता है। यहाँ पर ब्रेड फ्रूट को काफी चाव से खाया जाता है। ये बाहर से दिखने में छोटा कटहल जैसा लगता है, लेकिन इसका स्वाद ब्रेड और आलू जैसा है। ब्रेड फ्रूट की मदद से यहाँ चिप्स भी बनाई जाती है। इसके अलावा कई प्रकार का सी फूड भी आपको आसानी से सेशल्स में मिल जाएगा। शार्क चटनी, कैरिस मसाला, सेंटिनी, ऑक्टोपस करी, रोसेट करी और लाडोब जैसे डिशेस यहाँ की प्रमुख डिशेस हैं। सेशल्स के खानों में आपको फ्रेंच और इंग्लिश खाने जैसा टेस्ट भी मिलेगा। सेशल्स में साल भर कई प्रकार के फेस्ट और इवेंट्स भी आयोजित किए जाते हैं। सेशल्स इंटरनेशनल कार्निवल ऑफ विक्टोरिया सेशल्स आर्ट्स फेस्टिवल, प्रसलीन कलिनेरी एंड आर्ट फिएस्टा जैसे फेस्टिवल का आयोजन यहाँ किया जाता है, जिनमें लोग भरपूर मस्ती करते हैं और जमकर नाचते गाते हैं। अगर आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल और अन्य चीजें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो किसी यूरोपीय देश की सैर आप कर रहे हैं। 1,00,000 की जनसंख्या वाले इस देश में हर साल लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। सेशल्स में कई शानदार रिजॉर्ट्स और होटल्स बने हुए हैं, और उनसे भी ज्यादा खूबसूरत यहाँ के बीचेस हैं जो सैलानियों को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जहाँ आप अपनी छुट्टी बिता सकते हैं। आप अपनी ट्रिप की शुरुआत माहे आइलैंड से कर सकते हैं। यहाँ के गुलाबी रेत वाले समुद्री तटों के अलावा गुफाएं, वाटरफॉल्स, पहाड़ियाँ और हरे भरे जंगल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं। माहे आइलैंड में अरुल मेहू नवशक्ति विनयगर मंदिर नाम का एक हिंदू मंदिर भी बना हुआ है, जिसका निर्माण सन 1992 में कराया गया था। अगर आप पक्षी देखने के शौक रखते हैं तो बर्ड आइलैंड जरूर विजिट करें। बर्ड्स देखने के साथ साथ कई प्रकार के एडवेंचरस एक्टिविटीज भी आप इस आइलैंड
आइलैंड पर ट्राई कर सकते हैं। सेशल्स की दो साइट्स को यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा भी दिया हुआ है। इनमें से एक जगह का नाम वैली डी माय है, जो प्रसलिन आइलैंड पर स्थित है। एल्डब्रा आइलैंड दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो अपने कोरल रीफ्स और फ्लोरा एंड फौना के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और सेशल्स घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि इंडियंस को सेशल्स जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, और अगर आप अकेले जा रहे हैं सेशल्स घूमने तो आपको 6 से 8 दिन में लगभग 1,20,000 रुपए खर्च करने होंगे। सेशल्स में सेचलोइस रूपी करेंसी के तौर पर चलता है। छुट्टियों के मौसम में सेशल्स के बीचेस पर अच्छी चहल पहल देखी जा सकती है। अप्रैल मई या फिर अक्टूबर नवंबर का महीना सेशल्स घूमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये था खूबसूरत देश सेशल्स। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने सैर की है इस खूबसूरत देश की? और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।